हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अब ये 2019 में यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम व्यू पे जाते हैं, व्यू पे आ गए, अब यहाँ पे टेबल वन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के नाम से टेबल बना लेता हूँ। आप सेम भी रख सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है प्रोडक्ट, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है टेबल वन, वो भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट टी कर लिया हमने, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की टेबल जो है आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट टी लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी आ रहा है, तो आईडी इसको छोड़ देते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये लिख दिया नेम, फिर लिख दिया ऑफ, फिर लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, आ रही बात समझ में। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा तो शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया है। अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2019 है, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाता है, आ रही बात समझ में ना। अब यहां पर आते हैं, जैसे यहां पे आएंगे तो यहां पर अब हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, करेंसी डेटा टाइप होगा। तो यहां पे हमें करेंसी चूज करना है, करेंसी। ठीक है, तो ये चूज कर लीजिए करेंसी, ये करेंसी चूज कर लिया। अब यहां पर यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनिट, ये यूनिट कर दिया हमने, और यहां से नंबर लेकर के, और यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर हम इसको डबल बना लेंगे, डबल। लॉन्ग इंटीजर जो दिख रहा है ना, इसको बस डबल बना दीजिए आप, ये हो गया। अब फिर यहां पर आते हैं, यहां पे हमें टोटल करना है, टोटल। ओके, तो टोटल तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बस टोटल हो जाएगा। तो ये नंबर करके और फिर यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिलहाल यहां पे नंबर ना करके हम क्या कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटेड का यूज यहां पे कर लेते हैं हम। कैलकुलेटेड का यूज करेंगे तो यहां पे बनाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये तो हम आसानी के साथ कर लेंगे, तो जो भी हमारा प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से। ठीक है, और ये आप कर भी लेते होंगे मुझे लगता है कि, और यहां पे यूनिट कर देता हूं, तो ये यूनिट हो गया। तो दोनों ही हमने कर दिया है यहां पे, डबल यू कर दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, ये हो गया, यहां से ओके कर दिया। तो ये जो है कैलकुलेट तो कर लेगा, तो ये जो है कैलकुलेट तो कर लेगा, इसको सेव भी कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं। अब यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट एंटर करने की जरूरत है, तो यहां पे कीबोर्ड लिख देता हूं, कीबोर्ड नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहां पे कीबोर्ड कर दिया मैंने। और जैसे कीबोर्ड करके यहां पे आएंगे तो यहां प्राइस डालनी है, तो मान लीजिए 500 रुपए एक की प्राइस है। ठीक है, ऐसे ऐसे 6 कीबोर्ड आपने परचेस किए, तो यहां पे टोटल ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा यहां पे आते हैं, तो चूंकि ऑटो नंबर ले रखा है आईडी में, तो अपने आप ये नंबर आता चला जाएगा। यहां पर मैं कर देता हूं सीपीयू, सीपीयू ये लिख दिया सीपीयू। ठीक है, तो ये यहां पे सीपीयू आ जाएगा, और यहां पे सीपीयू की प्राइस है मान लीजिए, सपोज कीजिए 30,000, तो ये 30,000 कर दिया यहां पे, और यहां पे 6 कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं सीपीयू की प्राइस जो है आ गई है, क्लियर है। इतना करने के बाद यहां पर जैसे ही आते हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि यहां पर टैक्स भी कैलकुलेट किया जाए, तो टैक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आज के इस वीडियो में यही बात समझेंगे हम। क्योंकि हम जब भी परसेंटेज लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्या दिक्कत होती है आइए दिखाता हूं। देखिए यहां पे टोटल है ना, अब इसी टोटल में परसेंटेज होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं परसेंटेज, टैक्स, टैक्स लिख देता हूं, टैक्स, सिर्फ टैक्स लिख देता हूं, और टैक्स जो हम देंगे वो परसेंटेज में देंगे। तो जनरली यहां पर हम नंबर कर देते हैं, और नंबर करके जब देते हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। ठीक है, यहां पर कर देता हूं टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ओके ये लिख दिया हमने। अब यहां पे टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करके, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप का हम यूज करेंगे, और यहां पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो ये देखिए ये टोटल किया हमने, और टोटल इंटू क्या करेंगे, टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, टैक्स से। तो बस हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाना चाहिए, चूंकि हम टैक्स लिखेंगे परसेंटेज में तो टैक्स हमारा आ जाना चाहिए। तो यहां पे टैक्स अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां से ओके कर देता हूं, यहां से यस कर देता हूं। तो अब देखेंगे यहां पर फिलहाल अभी टैक्स नहीं दिया गया है, तो टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है। तो यहां पे क्या मैं 5% दे देता हूं, तो क्या टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, यहां पर यह जीरो हो जा रहा है, जैसे मैं 5% लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह ऑटोमेटिकली जीरो हो जा रहा है। अब यहां पर क्या हम सेटिंग करें कि ये जीरो ना हो, तो यहां पे देख सकते हैं ये जहां पे हमने नंबर दिया है, यहां पे फॉर्मेट यहां पे आता है, तो कई लोग यहां से फॉर्मेट भी चेंज करते हैं। तो यहां पे अगर फॉर्मेट को आप परसेंटेज बना देंगे, देखिए ये फॉर्मेट को हमने परसेंटेज बना दिया, तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या दिक्कत आ सकती है वो आप देखिए। यहां पर जीरो दिया हुआ है परसेंटेज, अब यहां पर हम चेंज करते हैं, यहां पर कर दिया हमने फाइव, कर दिया फाइव, तो भी यहां पर ऑटोमेटिकली जीरो हो जा रहा है।
तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी अगर इस तरीके से आपके साथ हो तो, दिक्कत हो सकती है। तो ये ना हो इसके लिए आगे देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, जो भी हमने लिया यहाँ पे टैक्स टैक्स अमाउंट, इसको हटा देता हूँ। ये पहले टैक्स को यहाँ से कट करता हूँ, हटा देता हूँ, कट कर दिया इसको, डिलीट कर दिया, हटा दिया। ये टैक्स अमाउंट है, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज़ हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ इस रो को, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे टैक्स की बात कर लेते हैं वापिस से। ये लिखा टैक्स, ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, नंबर रखना है। ये नंबर जो दिख रहा है ना, आप नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे नंबर रख करके। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट है ना, इसको आप परसेंटेज बनाएंगे, परसेंट परसेंट बना दिया यहां पर। देखिए ये परसेंट लिखा है हमने, कहां क्लिक किया है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया है और इसे बना दिया परसेंट, ठीक है। अब यहां पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये लिखा मैंने टैक्स और फिर लिखा अमाउंट, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट, देख रहे हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करते हैं, देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होता है, तो टोटल यहाँ पे करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, टैक्स, ठीक है। तो सिर्फ टैक्स लेंगे, टैक्स हमारे पास एक ही फील्ड है, बस उसी को ले लेंगे, ये हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे ओके किया, यस किया, तो ये देखिए ये यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 एंटर करते हैं, तो जैसे ही 5 एंटर किया तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम एंटर कर रहे हैं 5 या कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो वो 0 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या, तो ये 0 हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे इसे डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं, ले लिया डिजाइन व्यू पे। अब यहाँ क्या करना है, ये जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है यहाँ पे हमें टैक्स वाले फील्ड में, जो हमने लिया है डेटा टाइप लॉन्ग इंटीजर, यहाँ पे देखिए नंबर लिया है और फिर यहाँ पे जनरल में आएंगे तो फील्ड साइज मिलेगा आपको लॉन्ग इंटीजर, तो इसको भी बना दीजिए ना परसेंट, तो यहाँ पे डबल बना दीजिए, सॉरी परसेंट नहीं बल्कि डबल बना दीजिए। तो ये डबल कर दिया हमने और यहाँ से व्यू पे क्लिक किया, यहाँ से यस कर दिया और यहाँ से इसको यस करिए, तो बस काम हो गया है आपका। अब ये काम करेगा कैसे, काम करेगा ये देखते हैं। यहाँ पर मैं टैक्स का परसेंटेज टाइप करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 5%, आई एम गोइंग टू टाइप हियर ओनली 5%। जैसे ही 5% टाइप किया तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया है, टैक्स अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस पे 10% का टैक्स लग रहा हो तो यहाँ पे देखिए 10% के हिसाब से आ गया अमाउंट आपका, देख सकते हैं। यहाँ पे कुल 180,000 की बात की जा रही है, 180,000 पर 18% के हिसाब से 18,000 रुपए टैक्स लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ भी रहा है कैलकुलेट होकर। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर कुछ और ले लेते हैं, लाइक यहां पे लेते हैं एलईडी ले लिया हमने, एलईडी टीवी, ओके, तो ये लिख दिया हमने। अब यहां पर इसकी कीमत लिखनी है, तो यहां पे मान लीजिए कीमत है 50,000 रुपए, 50,000 जस्ट, ओके, तो 5 आइटम, ठीक है, यहाँ पे 5 आइटम डालते हैं, तो टोटल तो आ गया आपका। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात है, तो यहाँ पे 18% का टैक्स लग रहा है, तो 18% के हिसाब से देखिए यहां पर अपने आप जो है टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया, देख रहे हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे इस तरीके से आसानी के साथ आप कर पाएंगे। अगर आपसे टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आप परसेंट लिख रहे हैं और टैक्स नहीं आ रहा है, तो ये मेथड काफी कारगर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।